वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो लेट स्टार्ट द टुडे टॉपिक द न्यू टॉपिक इज एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ह्यूमन बॉडी चैप्टर नंबर फोर्टीन यू नो ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक ए मशीन वाई आई एम सेंग इट जस्ट लाइक ए मशीन हम ह्यूमन बॉडी को मशीन क्यों कहते हैं बेटे आप सबने अपने घर में बहुत सारी मशीन देखी हुई है जैसे वॉशिंग मशीन लाइक फ्रिज देन मिक्सर ग्राइंडर Uh, then there are so many like for a tv tv lcd also so there are many machines in your home okay like microwave also that is also a machine even in your home there is a your car your bike your scooter even your cycle is also a machine so like that our body is also a machine why i am saying machine because it is लाइक द मशीन्स आर मेडअप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स हमारी जितनी भी मशीन्स हैं उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं और जब ये सब पार्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं असेंबल तो मशीन तैयार करते हैं लाइक दिस आर बॉडी इज ऑल्सो मेडअप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड दैट इज ह्यूमन बॉडी यू नो इट ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स कैन यू सी द नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए लुकेट द पार्ट The main parts body have three main parts first you can see here head then what is this torso beach wala jo part hota that is called torso and these are limbs in simple way you can see if agar hum baat kare jaise apne chote hoga si kya hota you can see the head then neck then arms this is called torso then you can see legs ma'am then your feet in simple way we can see but now you are in a big class class 3

आपकी आर्म्स और लेग्स बोथ आर टुगेदर कार लिम्स इसको हम लिम्स बोलते हैं नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स यू कैन सी हियर लुक आई एम शोइंग यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी योर बैक योर आईज देन फिंगर्स चेस्ट स्टमक माउथ आर्म्स लेग्स एंड नोस ये वो बेटे बॉडी पार्ट्स हैं जो आपको बचपन से आपने सिंपल लैंग्वेज में सीखे हुए हैं क्लास फर्स्ट में भी सीखे होंगे यूके जी में भी आपको आते होंगे लेकिन अब मैंने जो नया टॉपिक क्या सिखाया हेड टोर्सो एंड लिम्स नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड द नेक्स्ट स्लाइड इज अबॉट स्केलेटन बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द स्केलेटन फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द बुक ट द बुक पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्स द ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन और ए कम्प्यूटर विद सेवरल डिफरेंट पार्ट्स मशीन की तरह हैं जैसे हमारी मशीन अलग अलग पार्ट से बनी होती है ठीक इसी तरह हमारी जो बेटे ह्यूमन बॉडी है वो भी किससे बनी होती है डिफरेंट पार्ट से इट्स कॉम्प्राइजेज ऑफ हेड नेक टोर्सो टू आर्म्स एंड टू लेग्स यू कैन सी हेयर द पिक्चर ऑफ ए प्वाई एंड ऑलरेडी लेबल द डिफरेंट पार्ट्स हेयर

हर पार्ट का एक स्पेशल फंक्शन है टू परफॉर्म जैसे मशीन में होता है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली फॉर अस टू फिट एंड हेल्दी अगर हम फिट और हेल्दी हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका काम करना बहुत ज़रूरी है वो भी ठीक तरह अगर कोई भी पार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो वी विल नॉट बी फिट एंड हेल्दी नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ ह्यूमन बॉडी इज़ यूनिक एज वी कैन स्टैंड इरेक्ट वॉक ऑन टू फीट यूज़ आर्म्स टू कैरी एंड लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स सिंपल ह्यूमन बॉडी क्यों यूनिक है बेटे क्योंकि इसके हर डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट काम हैं हम खड़े हो सकते हैं हम चल सकते हैं अपनी फीट के की हेल्प से हम आर्म्स को यूज़ करते हैं चीज़ों को उठाने के लिए एंड यूज और अपोजिंग थम थम होते हैं आपके जो अंगूठा जिसको आप बोलते हो हम उसको भी यूज करते हैं मान लीजिए अगर आपको जैसे आप देख रखते हो पिक्चर में यू कैन सी हेयर बॉय इज होल्डिंग समथिंग इन दैंड बट विदाउट दिस थम आप किसी भी चीज को बैठे होल्ड नहीं कर सकते तो थम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी नाउ सो लुक द एवरेज हाइट जो अक्सर जो हाइट होती है हमारी अबाउट मेल मेल होते हैं जेंट्स यानी आपके जो मेल मेंबर्स हैं उनकी अडल्ट मेल मीन जैसे लाइक योर फादर इज अबाउट फाइव फीट सेवन इंचज यानि पाँच फीट सात इंच से लेकर फाइव फीट इलेवन इंच तक मैक्सिम हाइट पेटे जाती है वाई एंड एवरेज फीमेल जैसे मैं हूँ फीमेल है मम्मी है इनकी हाइट कहाँ से आती है फाइव फीट टू इंच से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है फ़ाइव फीट सेवन इंचज़ तो मेल की ज़्यादा होती है फ़ीमेल की हाइट क्या होती है बेटे कम होती है वहाँ पे मेल की हाइट है फ़ाइव फीट सेवन इंचज से लेकर फाइव फीट इलेवन इंचज़ और जो फीमेल्स होते हैं उनकी होती है फ़ाइव फीट टू इंचज से लेकर फ़ाइव फ़िट सेवन इंचज़ ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्वेंटी टू इंटरनल ऑर्गन यर देट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू लर्न कितने इंटरनल ऑर्गन्स है मेरे ट्वेंटी टू और हाउ मेनी मसल वी हैव और बोन्स कितनी है बेटे टू हंड्रेड सिक्स बोन्स है एडल्ट में कितनी बोन्स टू हंड्रेड सिक्स एंड बट अबाउट द सेल्स वन हंड्रेड ट्रिलियन सेल्स आर प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी कम टू नेक्स्ट पेज वन हंड्रेड सेवन ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल ये सेल्स जितनी भी बेटे लिविंग चीजें हैं वो किससे बनी होती है सेल सेल इज द बेसिक यूनिट एक बेसिक यूनिट है लाइफ का इट्स लाइक ए ब्रिक जैसे आपको घर बनाना हो तो आपको एक दीवार खड़ी करनी है तो किससे करोगे बेस में आप कह के ब्रिक्स चाहिए ना ईंटों से खड़ी करोगे पहले उसका बेस बनाओगे जिसको आप कहते हो नींव भरना उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है ना ठीक इसी तरह हमारी जो बॉडी का बेसिक यूनिट है अगर हम जिंदा हैं हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है सेल इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आर बॉडी हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा बना जाता है लेकिन जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे ह्यूमन बॉडी बनती है सिमिलर सेल टुगेदर जब ये बहुत सारे सेल बेटे इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनते हैं हमारे टिश्यू सिमिलर टिश्यू ज्वाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन और जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो क्या बनते हैं ऑर्गन्स मैनी ऑर्गन परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन टुगेदर जब ऑर्गन्स इकट्ठे काम करने शुरू करते हैं तो हम कहते हैं ये ऑर्गन सिस्टम बन गया और जो ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का जब ये फंक्शन करते हैं तो हमारी बनती है ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी का बेसिक यूनिट क्या देखा आपने सेल क्या है बेटे सेल वैन तो यहाँ पे बहुत सारे सब सेल इकट्ठे होते हैं टुगेदर दे विल मेक द टिश्यू देन टिश्यू से क्या बनते हैं बेटे ऑर्गन्स ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में उन सब मिलकर हमारी क्या बनाते हैं ह्यूमन बॉडी क्या बनती है बेटे ह्यूमन बॉडी सो प्लीज रीड दिस टॉपिक आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक so that's a very interesting topic next in video or next class i will explain the skeleton system so goodbye have a nice day